ये जो मंदिर है वो तेलंगाना देश के महाराज, ऐसी कुछ शिल्पकारी मूर्तियां देखने को मिलेगी, कोई भगवान की पूजा नहीं होती है। तो स्वागत है जी आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। और पिछली वीडियो में हम लोग आप लोगों को सास बहू मंदिर दिखाया, और अभी हम लोग जा रहे हैं तेलिका मंदिर जो कि यहाँ का फेमस मंदिर है। तो इस साइड में आप लोग देख सकते हो, मैं आप इसके अंदर जाना अलाउ तो नहीं है, लेकिन ये स्कूल है यहाँ का सिंधिया स्कूल, इसी से शाहरुख खान ने शिक्षा ग्रहण की थी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पढ़ चुके हैं, और ये हमारे सामने रहा तेलिका मंदिर। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। और फिर अगली वीडियो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ के इस गुरुद्वारे को, साहेब बंदी छोड़ जिसके नाम से जाना जाता है, तो इसकी भी एक हिस्ट्री है। तो मैं अगली वीडियो में आपको प्रॉपर यहाँ की जानकारी दूंगा। तो अभी चलते हैं हम लोग तेलिका मंदिर और इसको विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या सब है एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ की क्या है खुफिया बातें, तो सारा कुछ बताते हैं आपको। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं तेलिका मंदिर के गेट पे, और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस मंदिर के बारे में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है यहाँ की इन्फॉर्मेशन। और ये रहा कुछ यहाँ का एंट्री गेट। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और बताते हैं इस मंदिर के बारे में, सो लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुँचे गेट पे और टिकट एंट्री करवाते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। और यहाँ से आप लोग एक बार मंदिर की व्यू देख सकते हो। तो ये जो है ग्वालियर फोर्ट का सबसे ऊँचा मंदिर है जो कि 30 फुट लंबा है। तो इस मंदिर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मंदिर है वो तेलंगाना देश के महाराज ने करवाया था अपनी रानी के लिए, और इसमें भी विष्णु भगवान की प्रतिमा बैठाई गई थी जो कि अंग्रेज शासन काल में हटा दिया गया। तो इस मंदिर में वो पूजा नहीं होती है। और इस साइड की जो गेट देखोगे ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। तो और इस मंदिर का जो सबसे विशेष बात है, यहाँ का गजविष्टाकार छत है इसका जो कि आप ऊपर देख सकते हो। और इस मंदिर में भी आपको बहुत सारी ऐसी शिल्प कला देखने को मिलती है जो कि हमारे उत्तर भारत में देखने को मिलती है आप लोगों को। यहाँ के एंट्री गेट पे एक इस साइड में मूर्ति और एक इस साइड में भी बना रखी है। अभी चलते हैं इस मंदिर के अंदर और पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तब तक आप लोग कुछ सिनेमैटिक शॉट देखो। जैसे ही मंदिर में आप इंटर करोगे तो आपको गेट पे ऐसी कुछ शिल्पकारी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है देखने में, और हमारी शिल्प कला को पुराने चीज़ों को दर्शाती है। तो सेम इस साइड में भी आप लोग देख सकते हो सेम स्ट्रक्चर बनाया गया है, और ऊपर तक आप जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे हर जगह आपको एक अद्भुत कलाकारी देखने के लिए मिलेगी इस मंदिर पे। अभी चलते हैं इसके अंदर और अंदर का कुछ व्यू देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और आप लोग देख सकते हो इसकी बनावट तो काफ़ी ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर है ये, इसको 1882 ईस्वी में बनाई गई थी। और इसमें भी सेम कोई भगवान की पूजा नहीं होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये यहाँ के तेल व्यापारियों के द्वारा दिए गए धनराशि से बनाया गया था, जो कि सारा धन इकट्ठा करके जितने भी तेल व्यापारी थे उन्होंने सारा धन दिया था, थोड़े थोड़े जैसे चंदा होते हैं ना वैसे करके जमा करके इस मंदिर को बनाया गया था। तो अभी कुछ और यहाँ के बाहर की चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस मंदिर का आप लोग साइड से व्यू देख सकते हो, और यहाँ कुछ स्मारक बने हुए हैं
यहाँ पे आप लोग अगर फैमिली के साथ आते हो तो बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर सकते हो। बहुत अच्छा पैलेस है इधर का, और इस साइड से आप मंदिर का एक बार व्यू देखो, काफ़ी ज़्यादा ऊंची मंदिर है ये, और बहुत सारी सुंदर कलाकृति इस पे आपको देखने के लिए मिलती है। जिधर से भी आप देखोगे ये मंदिर आपको यूनिक लगेगा। और इनका पैर दुख चुका है चलते चलते, तो ये थोड़ा सा रेस्ट मार रहे हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो आप पीछे से भी देख सकते हो, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ के जो बाहर में बैठे रहते हैं उन लोग से हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इस मंदिर की विशेष बातें क्या हैं, तो वो हमको बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको शुरू में नोटिस बोर्ड पढ़ा ही दिया था, उसे आप लोग पता लगा लेना पढ़ के कि क्या सब है इसकी खास बातें। तो बस यही है यहाँ का। और फेमस स्कूल तो मैं आप लोगों को बता ही चुका कि उस साइड में है, लेकिन उसके अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। ये पूरा एरिया जो है वो सारा स्कूल के अंदर ही आता है। ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, देख सकते हो आप लोग, इसका नाम सिंधिया स्कूल के नाम से फेमस है। और वो दूर रहा हमारे गुरुद्वारे, तो अभी गुरुद्वारे में भी चलेंगे। देख सकते हो आप लोग कितनी बारीकी से काम किया गया है इस मंदिर पे, और कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने के लिए। तो काफ़ी यूनिक सा मंदिर है ये, तो ज़रूर विज़िट करना है एक बार, जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर से विज़िट करना। तो अभी चलते हैं और यहाँ के गाइड से पूछते हैं कि इस मंदिर के बारे में कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, तो ज़रूर आप लोगों को बताएँगे। तो एक बार यहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हो मंदिर का, और इसमें एक ही एंट्री गेट बनाई गई है, एंट्री के लिए भी और एग्ज़िट के लिए भी एक ही गेट है। और ऊपर में भी देख रहे होंगे आप लोग को एक गेट दिख रहा होगा, लेकिन वो ब्लॉक है तो उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, बस आप लोग नीचे वाले में ही जा सकते हैं। तो एक मिनट हम इनसे पूछते हैं यहाँ का कुछ खासियत क्या है इस मंदिर के बारे में, बताना चाहेंगे आप? हम नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं। ओके, तो इनको वैसे तो ये मतलब 9वीं सदी का बना हुआ है, राजा महाराजा भोज ने बनवाया जी। तो जैसा कि मैंने आपको नोटिस बोर्ड पे पढ़ा ही दिया था, तो वही है यहाँ की जानकारी, तो आप लोग ज़रूर उसको पढ़ लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके नोटिस बोर्ड से ही देखने को मिल जाएंगी। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। हालांकि ये वीडियो काफ़ी छोटी बनी है, फिर भी जितना हो सका मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है इस मंदिर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।